देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। जी हाँ, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, ये वही ऑडिटोरियम है जो शोमैन राज कपूर के नाम से बनाया गया था। मैं ऑडिटोरियम के बारे में आपको बताऊं, ये वही जगह है जहां पर कृष्णा राज कपूर का जन्म हुआ था, राज कपूर की शादी हुई थी। यहां पर हमारे साथ जो ये 3 दिन का फेस्टिवल हो रहा है उसकी यहां पर पूरी टीम मौजूद है। हम उनसे जानेंगे पहली बार ऑडिटोरियम बनने के बाद उस कार्यक्रम को किया जा रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया था। ये बताइए, आपके इस कार्यक्रम में क्या है खास, कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? 3 दिवसीय कार्यक्रम है, चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल है 19, 20 और 21 को। इसमें देश विदेश की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी, साथ ही साथ लोक कलाओं से सजा पूर्व रंग होगा और शाम को प्रतिदिन 7 बजे से अलग अलग जगहों के नाटक खेले जाएंगे। अलग अलग जगहों के नाटक खेले जाएंगे। रीवा में एक जिस चीज़ का अभाव कहा जा सकता था, शायद ही बहुत अरसे बाद एक दो संस्थाएं अभी हाल ही में हैं जिन्होंने नाटकों का फिर से एक बार नए सिरे से आगाज़ किया। हमारे साथ सुधीर सिंह मौजूद हैं। सुधीर सिंह को मैं काफ़ी अरसे से भी जानता हूं। सुधीर सिंह जी, ये बताइए, ये चित्रकला छोड़ के जो आप पुराना आपका फैशन था, ये नाटक की तरफ क्यों? मैं नाटक में भी था पहले, हालाँकि मैं चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, और जब ये पूरा जो कार्यक्रम है उसी से रिलेटेड है कि इसमें चित्रकला भी होगी, क्राफ्ट भी होगा, मूर्तिकला भी होगी, रंगमंच भी होगा और फिल्म फेस्टिवल के नाम से तो है। नाटकों का अभाव, दर्शक नहीं मिलते, बहुत कम युवाओं का एक बहुत छोटा सा जो समूह कहा जा सकता है उसका रुझान ही नाटक की तरफ है। तो क्या आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद हमारे पास कुछ कलाकारों की संख्या भी होगी, इस ओर के रुझान भी लोगों का बढ़ेगा? कलाकारों की संख्या है हमारे पास, लेकिन जितना चाहिए, जितनी रुचि चाहिए, दर्शकों का झुकाव चाहिए, वो थोड़ा सा कमी थी, लेकिन निसंदेह इस कार्यक्रम से तो फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। इस कार्यक्रम से फ़ायदा होगा, 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जगह होगी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। ये बताइए, बहुत दिनों से आप लगातार इन्हीं सारी विधाओं से जुड़े रहे, एक नाटककार को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है? नाटककारी का सारे कलाकारों का स्ट्रगल तो ताउम्र जिंदगी भर रहता है और वो स्ट्रगल चलते हैं। स्ट्रगल दो तरह के होते हैं, एक क्रिएटिव स्ट्रगल होता है और एक जो आम जो स्ट्रगल है ये होता है। अब ये स्ट्रगल तो चलता ही है, बट तो भी कलाकार जो है या ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं उसी में से रास्ता निकालते हैं। जो भी व्यवस्था है, जो भी परेशानियां हैं, या कई जगह अच्छी सुविधाएं भी होती है, मगर उससे रास्ता निकलते हैं और कला अपना रास्ता निकालते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये देखिएगा क्या, कलाकार तो अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए बेताब रहता है, लेकिन कलाकार के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है, आर्थिक अभाव उसको बहुत ज़्यादा होता है, सारे संसाधन उसको खुद जुटाने पड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी इस तरीके से कभी कोई मदद ही करता है कि आपका एक ग्रुप ही ये सब काम करता है? शुरुआत तो खुद से ही करता है, अभी जैसे ये प्रोग्राम की भी शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत की तो स्वयं से शुरुआत हुई। सबसे पहले तो पहला स्टेप तो खुद ही उठाया, पहला स्टेप उठने के बाद ही तो सब होता है ना, जो शुरुआत होती है और कारवा जुड़ता है, कहावत है ना, तो वो फिर उसके बाद जो फाइनेंस, जो कला को जानने वाले लोग हैं या जो जिनमें ज़रा भी कहीं तो एक संवेदनाएँ हैं या मनुष्यता के कुछ बोध जिंदा है, वो लोग, वैसे लोग कला को निश्चित ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पैसा हो या नहीं हो, पैसा हो या ना हो। मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, नाटककार सबसे पहले ये कोशिश करता है, उसको एक आर्थिक संसाधनों का उसके पास अभाव होता है, वो अपने संसाधन खुद जुटाता है और एक अपनी क्रिएटिविटी जो कि अपने आप में अनूठी होती है, हर बार वो एक नई चीज़ लेकर आता है। जिस तरीके से यहाँ पर टोकनियाँ पड़ी हुई हैं, तमाम तरीके के यहाँ पर ये लोग सुबह से ही लगे हुए हैं अपनी व्यवस्था को बनाने में। माना जा सकता है जिस तरीके से जब ये नाटक 3 दिन तो चलेगा, इस जगह पर अपने नाम को सार्थक करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर दर्शकों का किस तरीके से रुझान होता है। हालाँकि इनका ये कहना है कि हमने प्रचार प्रसार भी ठीक किया, काफ़ी तैयारी की, हमें एक बेहतर उम्मीद है कि हमें बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा।